नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस राज्य यूजी पीजी परीक्षा को नहीं निष्पत्ति जुलाई अगस्त सुधा ऑनलाइन रे परीक्षा तारीख स्थिर करे विश्वविद्यालय और स्वयं शासित कॉलेज उच्च शिक्षा मंत्री अरुण साहू को घोषणा शुणुना राज्य सरकार सारा ओडिशारे चासी आंदोलन आंदोलन को ओल्हाइले अन्नदाता जिलांग परे संबलपुर और बरगड़ में धारणा कोरोना काल में कौशल विकास को बुस्ट अनुकूल क्रास कोर्स कार्यक्रम शुभारंभ कले प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवे स्किल रिस्किल और अपस्किल को मोदी गुरुत्व एक लक्ष नुआ योद्धा को तालीम सह मिल रोजगार मास्टर कैंटीन घोड़ा प्रतिमूर्ति स्थानातर को प्रतिपाद मूर्ति तले कांग्रेस धारणा बीजेपी दे आंदोलन धमक सेपटे ट्वीट कर केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहे स्थानातरण प्रक्रिया समस्त करतीत स्थानातरण नक सौंदर्यकरण करतु विचार कोरोना कटका भितर अन्य स्थान में रथजात्रा केन्द्रापड़ा सह बारिपदारे भी जोर धरला दावी निष्पत्ति अनुसार एथर पूरी व्यतीत अगर क्योंकि गढ़ रथ बिना भक्त पुणी चलिला मोदी मैजिक ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग रे सबुठ आगरे प्रधानमंत्री सबु राष्ट्र मुखिया पछरे पकाई मारिले बाजी द्वितीय तृतीय स्थान रे इटाली और मैक्सिकोर राष्ट्र अध्यक्ष दुई ओडिया टोकियो टिकेट भारतीय हॉकी दल में सामिल हेले वीरेन्द्र लाक्रा और अमित रोहितास हॉकी इंडिया पक्षर् षोह जणिया भारतीय दल घोषणा एवं किए हेब टेस्ट रो किंग हाई वोल्टेज टक्कर पाई तैयार विराट बाहिनी आज इंग्लैंड रे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल महामुई हेबे टीम इंडिया न्यूजीलैंड आज संपूर्ण खबर को राज्य में हेब यूजी और पीजी फाइनल परीक्षा उच्चस्तरीय बैठक में परीक्षा नहीं निष्पत्ति होता उच्चशिक्षा मंत्री सूचना देते जुलाई अगस्त में ऑनलाइन रे एग्जाम हेब युक्त तीन शेष सेमिस्टार अथवा षष्ठ सेमिस्टार परीक्षा और स्नातकोत्तर शेष सेमिस्टार अथवा चतुर्थ सेमिस्टार परीक्षा हेब पूर्व परीक्षा अथवा बैक परीक्षा ऑनलाइन मोड्रे हेब जुलाई अगस्ट हेब बोली जमापड़ी यह केवल युक्त तीन और स्नातक शेष सेमिस्टार पर उद्दिष्ट घरे सुविधा थिले नचेत निकटस्थ डिग्री कॉलेज रे परीक्षा देवे छात्र छात्री से भली युक्त तीन प्रथम एवं द्वितीय वर्षर सेमिस्टार गुड़िक स्नातक परीक्षार प्रथम वर्षर सेमिस्टार गुड़िक परवर्त समय निष्पत्ति निया पीजी पिला मानन को परीक्षा जोड़ा फाइनल ईयर हो बा फाइनल सेमिस्टर हो सेमान को पई जुलाई अगस्त मास सुधा ऑनलाइन मोड रे परीक्षा करिया पई वाइस चांसलर मानन को मतामत नहीं ए निष्पत्ति निया जाई छि एवं एही पिला मानन को जदि किछि प्रीवियस सेमिस्टर रो परीक्षा बाकी अछि बा बैक पेपर अछि ताकु मध्य ऑनलाइन मोड माध्यम रे सेई जुलाई अगस्त मास सुधा शेष करिए परीक्षार तारीख संपृक्त यूनिवर्सिटी एवं जो माने ऑटोनोमस कॉलेज सेई माने निर्धारित करिवे छात्र छात्री माने तांकर घरु जो मानकर सुविधा अछि जो मानकर सुविधा नाही तारे निकटस्थ डिग्री कॉलेज को जाई ऑनलाइन माध्यम रे से परीक्षा देई पारिवे एवं ऑनलाइन परीक्षा केमिति हब से कथा यूनिवर्सिटी माने निष्पत्ति नेबे ऑटोनोमस कॉलेज माने मध्य निष्पत्ति करिवे यहा केवल फाइनल ईयर बा फाइनल सेमिस्टर पिला मानन के भी उद्दिष्ट
अन्यान्य इयर बा अन्यान्य सेमिस्टर पे परवर्ती समय निष्पत्ति नियाजिबो एवं आउ गोटे बड़ कथा होची यूनिवर्सिटी कर्तृपक्ष एवं कॉलेज कर्तृपक्ष माने एनश्योर करिवे जे पिला माने केमिति ऑनलाइन रे परीक्षा देई परिवे। अच्छा परवर्ती खबर को मास्टर कैंटीन रे घोड़ा प्रतिमूर्ति स्थानांतर को विभिन्न महलरो विरोध करा जाउछे। स्मार्ट सिटी योजना को कार्यकारी करिबा पई राजधानी भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन छकरे थिबा घोड़ा प्रतिमूर्ति को हटाइबा पई चलीथिबा उद्यम को विभिन्न महलरो विरोध करा जायछे। एर प्रतिवाद रे आज मास्टर कैंटीन छकरे धारणा देछे कांग्रेस से परी आंदोलनर धमक दैछे बीजेपी। मास्टर कैंटीन छकरु जोधा घोड़ा को प्रतिमूर्ति को राजभवन छक को उठाइ नेबा पई वीडीए पक्षरु जे निष्पत्ति ग्रहण करा जायछे ताहा कदापि कराइ दिया जिवो नाही बोली कांग्रेस कहिछे। ओडिशार ऐतिह एवं कीर्ति राज्य को चिन्हट करुथिबा एहि घोड़ा प्रतिमूर्ति को स्थानांतर करबा को दिया जिवो नाही बोली सुर कहिछन्ते। सेपटे एहि घटना को नै केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मध्य उद्वेग प्रकाश करिछन्ते। ट्वीट करी समस्त ओडिशावासी को भावावेग को सम्मान दे राज्य सरकार मास्टर कैंटीन घोड़ा को सुरक्षित रखिबा सह स्थानांतरण न करी मास्टर कैंटीन रो सौंदर्यकरण करबा को कहिछन्ते। ओडिशार कलिंगर ऐत्य पृथ्वी प्रसिद्ध कोणार्कर चिन्ह से घोड़ा जो योद्धा कन्याकुमारी पर्यंत जीतिथिले से योद्धा चिन्ह बहुत तर्जमा करे हरे कृष्ण महताब आर्यन सिंहदेव सतप्रिय महांति चिंतामणि पाणिग्राही बिजु पटनायक नीलमणि राउतरा विश्वनाथ दास एवं जानकी पटनायक तर्जमा करी ये सिंबल काढ़ी ओडिशा सरकार सिंबल भुवनेश्वर कॉर्पोरेशन कमिशनर स्मार्ट सिटी सीएमडी एवं बीडीए भिसी गोटे लोक जदि ये रोड कर आम कहलु कहला यापर फ्लाईओवर जीव मु फ्लाईओवर जाओ भल ते रही घोड़ा योद्धा किसी असुविधा ना ना कर खाइब मुझे कर जदि कि नहीं जाओ ये कर नहीं जाओ किसी क्षति ना डाण पटे कि नब मुझे नहीं जाओ स्टाच्यू रठ जानकी पट्टनायक कांग्रेस समय समस्त मत नहीं तर्जमा कर बसई स्टाच्यू अठे र कोरोना काल रे कौशल विकास को बुस्ट अनुकूल क्रास कोर्स कार्यक्रम रो शुभारंभ कले प्रधानमंत्री। स्वास्थ्य सेपारे स्किल रिस्किल एवं अपस्किल को मध्य तीनोटी को मुख्यतः गुरुत्व देछन्ते। तेरह रे बदलुथिबा रूप देश पई बड़ चैलेंज तेबे सबु स्थितिर मुकाबला लक्ष्य रे ए कार्यक्रम करा जैछि। आगु स्वतंत्र प्रधानमंत्री कौशल विकास मंत्रालय खोलिबा को योजना रखिछन्ते मोदी। प्रति राज्य रे अधिक रु अधिक खोलिबो कौशल विकास केन्द्र। एक लक्ष कोरोना योद्धा तैयारी करने को केन्द्र सरकार का महाअभियान। साइंस सरकार संस्था सह समाज को सतर्क कराई कोरोना भाइरस जार मुकाबला पाई प्रधानमंत्री का अभियान। वायरस का बदलना और बार बार बदलता स्वरूप किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने ला सकता है। हर इलाज हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ आज देश में 1,00,000 फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1,00,000 युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे और एक ट्रेंड सहायक के रूप में
वर्तमान व्यवस्था को काफी कुछ सहायता देंगे, उनका बोझ हल्का करेंगे। पुणे चलिला मोदी मैजिक। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग रे एक नंबर स्थान रे प्रधानमंत्री, अन्य देश रे बड़ नेता को पछरे पकाई भारत प्रधानमंत्री। कोरोना काल रे सफल नेतृत्व पई सारा विश्व रे प्रशंसा पाउछि भारत। सेपटे अमेरिकार राष्ट्रपति जो बाइडेन टॉप 5 रे मध्य स्थान पाइनाहते। इटालीर राष्ट्र मुख्य को द्वितीय एवं मेक्सिकोर तृतीय स्थान को मिलिछि। मॉर्निंग कंसल्ट पक्षरु एही सर्वे करा जायछि। सर्वे रे भारत 2126 जन प्राप्त वयस्कों मत ग्रहण करा जायथिला। सेही आधार रे ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैक रो फलाफल मोदी को मिलिछि 66% जनतांक समर्थन। आगक रही आ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर नजर पकाइबा हेले ता पूर्वरु एही कमर्शियल ब्रेक नबा। ब्रेक परे स्वागत। सारा राज्य रे चासिंग को संतोष, मंडी रे पड़ी धान, चासिं को मिलूनी न्याय अधिकार। डेलांग परे संबलपुर रे चासिं को धरना, राज्य बीजेपी कृषक मोर्चा सभापति प्रदीप पुरोहित, कुचिंडा पूर्वतन विधायक रवि नारायण नायक, रेंगाली विधायक नाउरी नायक धरनास्थल रे उपस्थित अछंती। थमुनी चाषी दुर्दशा, मंडी समस्या नहीं चाषी रास्ता रोक, अमूल पर भी धान बिक्री हो पारे जहाँ चाषी दुर्दशा बढ़िवार लगी। यार प्रतिपाद में कृषक नेता अशोक प्रधान नेतृत्व में स्थानीय चाषी मैंने रास्ता रोक कर चाषी मैंने रास्ता उपर धान बस्ता और लंगल रखी डेलांग बजार में रास्ता रोक कर फल पटनायकिया खोर्धा रास्त गाड़ी मोटर चलाचल बंद रही। जाजपुर जिला बरी तहसील कार्यालय घेराव कले स्थानीय लोके बरी रे बेधड़क काठ चलाण को नहीं लोकों मध्य देखादी असंतोष, फलस्वरूप रास्ता को ओह्लाई लोके। बरी विधायकों भाई गच्छ काटि अभियोग कर लोके। पुणे तातिले चासी, बीजेपी निर्वाचन मंडली बरपाली तहसील ऑफिस रे धान भर्ती करी आंदोलन रे बसिले चासी। टोकन अव्यवस्था, मंडी रे कटनी छटनी, मिलर्स का दादागिरी को नहीं ए आंदोलन देखा दिछे। मास 6 मास 7 मास लान चास करी गरी जदि धान बिकवा लई गुटे चासी के एतकी तकलीफ हवा बले से सरकार चासी ऊपर ध्यान केते दउछे सेथु जणा पडुछे। लोक उधार बैड करी धान चाष करुचन, आज से सरकार टोकन आसवा आईस्कान देखवा काका देखवा किसी नहीं, आज टोकन फोकन किसी ना, आज ये धानटा किए गिनवा, ये सरकार रो ध्यान कहार ऊपर अच्छे। तीन धान लेनु धारणा रे आमे बसलुन, दुई दिन आमे मार्केट ताला देकर सोसाइटी भी ताला देना, और बरगड़ द्वारस्थ भी आम सी एच ओ अफिस भी जाइल से आगे सेठारे भी टोटाल आम क्या किए शुणु ना, गोटे जन गोटे चाषीटे आज्ञा बुझे कि नहीं प्राय समस्त जेन मैंने कर करें भाग चाषी कह रहे टोकन टोटल समस्या पूरा अच्छी जड़े जल्दी 4 एकर चाष कर मात्र 8 क्विंटल 9 क्विंटल धार 8 9 क्विंटल केन गाड़ी से बिकी ना कहूँ पूरा समस्या है जेन समस्या सब कांदले न हाथ गाड़ी पैसा गुड़ी आने कहीं चाष पैसा गुठे नहीं आज्ञा बुझे कि नहीं पूरा भी आने भी 70-30% लोग पूरा हेते रही है आज्ञा समस्या बहुत आज्ञा बहुत बहुत खराब रही है जेनटा कि चाषी मैंने कानूचन धान घोड़ा देदेलान तहसील अफिस सामनार बसीचन जेन चाषी मैंने कि आमर मफसल एरिया धान टुपले धरिकी गले दुकानु ताकर ग्रोसरी सामान आनुले दुकान बाला कहे कि ना भाई पैसा धरिकी आस धान आर चाउल देले आम सामान ना दू बोलुचे। आउ दुई ओडियां को ओलंपिक्स टिकेट, भारतीय हॉकी दल रे शामिल हेले दुई ओडिया, वीरेंद्र लाक्रा व अमित रोहिदास को ओलंपिक टिकेट। टोक्यो ओलंपिक्स पई भारतीय दल घोषणा होइछे। 16 जणिया भारतीय दल रे वीरेंद्र लाक्रा व अमित रोहिदास शामिल होइछन्ते। केवल एतिके नुहे ओलंपिक्स रे डेब्यू करिबे भारतर 10 जण खेलाड़ी। एहा पूर्वर टोक्यो ओलंपिक्स पई घोषणा होइतबा भारतीय महिला हॉकी टीम रे दीपग्रेस एका स्थान पाइछन्ते। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମୁଁ ହକି ଲଭର ଫ୍ୟାନ୍, ଆଉ ମିଡିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାରଣକି ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ରହିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଜିର ଦିନ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କମ୍ବିନେସନ ଆଉ ସିଲେକ୍ସନକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି?
ବହୁତ ବଢିଆ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ବି ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ଟିମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କମ୍ବିନେସନ ବି ଅଛି। ଅମିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କେତେ ସମୟ ଚାଲୁଛି? ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସବୁଦିନ ଚାଲିଛି, ରବିବାର ଛାଡିକି ସବୁଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଚ୍ ବା ଷ୍ଟାଫ୍, ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେୟର୍ସ ମାନଙ୍କର, ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ଏବେଠୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲାଣି କି? ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁ, ଯୋଉଟାକି ଖାଇବାରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସରୁ ପୁରା ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଆମେ କାମ କରୁ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ଏପଟେ ସେପଟେ ନାହିଁ, ଆମେ ଯୋଉଟା ବି କାମ କରୁ ଆମେ ଟୁଗେଦର ହେଇକି କାମ କରୁ, ଆମକୁ କେବେ ବି ଏମିତି ଆମକୁ ମେହସୁସ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଏକା ଏକା ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରିବୁ ଅମିତ, ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ରେ ଆପଣଙ୍କ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ରୁ କିଛି କମାଲ ଆସିବ, ଆପଣ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର। ଆଉ କଣ କହିବେ ଭାଇ, ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ନି ଇଞ୍ଜୁରି ପାଇଁ ଆପଣ ଖେଳି ପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲେ, କଣ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ରଖିବେ? ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦି ଜଣ ଅଛୁ ଓଡିଶା ଟିମ ର, ଅମିତ ରୋହିତ ଦାସ ଏବଂ ମୁଁ, ଆଉ ଯେମିତି 16 ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ମିସ୍ କରିଯାଇଥିଲେ ନି ଇଞ୍ଜୁରି କାରଣରୁ, ତଥାପି ମତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଆଗରୁ, ମାନେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା ଟିମରେ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଫିଟନେସ ନଥିବାରୁ ସେତେବେଳେ ଟିମରୁ ମୁଁ ବାଦ ପଡିଥିଲି, ଆଉ ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ହାଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଫିଟନେସ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରଠୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଉ ସବୁ ଇଞ୍ଜୁରି ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ଫିଟନେସ ଉପରେ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଲି ତ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା, କଣ କହିବେ, ଯୋଉ 16 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ମାନେ ଉଭୟ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ବି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କୋଉବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିମ୍ କମ୍ବିନେସନଟାକୁ? ଆଜ୍ଞା, ଟିମ୍ କମ୍ବିନେସନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ସିନିୟର ପ୍ଲେୟର, ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ର ଯେତେ ବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଟିମ୍ ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ତ ଆଶା କରୁଛୁ କି ସେଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। କେତେ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ, କାରଣ ଚାନ୍ସେସ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ମେଡାଲ ଜିତିବ ବୋଲି ମାନେ ସବୁ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ତେବେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିମ୍, ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସାଇଟେଡ କଥା ତ ଠିକ ଅଛି ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଛି କି ଯୋଉ ଟିମ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ତା ପାଖରେ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ତ ଆମେ ସେଇଟା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଆମର ଯାହା ବି ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ସେଇଠି ମାନେ ଯୋଉ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ କରିପାରିବା। ଆଗକୁ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ଦେଖିବା ହେଲେ ଏହି କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବୁଲେଟିନ୍ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସବୁ ସେବାୟତ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହେବ ଟିକାକରଣ, ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ, ବିସ୍ତୃତ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦିନ କେଇଟା ପରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ତେବେ କରୋନା ପାଇଁ କେବଳ ପୁରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ଓ ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ବିନା ଭକ୍ତରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ଜଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ 13 ବର୍ଷ ହେବ ଚାକିରି କରିଆସୁଥିବା ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଭିପ୍ସା ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଭେରିଫିକେସନରେ ମ୍ୟାଡାମ୍ଙ୍କ ଜାଲିଆତି ଧରାପଡ଼ିଥିଲା, ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ
ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କଲେଜ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଚାକିରି କରିବା ସହ କଲେଜରୁ ଟଙ୍କାରୁ ଦରମା ଆକାରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପିକା। ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଅଭିପ୍ସା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜାଲିଆତି ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ କଲେଜରୁ ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ। ଖୁଣ୍ଟା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ଆମର ଖୁଣ୍ଟା ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 176/21 ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହୋଇଛି। ଦଫା ଅଛି 420, 467, 468, 471 IPC ହୋଇଛି। ଏଇଟା ସେଠି ଇଂଲିଶ ଲେକ୍ଚରର୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଫଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଲିଗେସନ୍ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରପର୍ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ସମୟ ସାରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।